नमक के लिए भी जिंदगी जोखिम में क्यों है? इन गांवों की कुल आबादी 1000 से अधिक है, 800 से अधिक मतदाता हैं। किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्या कुछ परेशानियां आती हैं? लंबे समय से एक अदद पुल की मांग की जा रही है, कब से आप लोग यहाँ पे पुल की मांग कर रहे हैं? एक बोर्ड लगाते ना, उसको देने से भी ठीक है। अभी तहसीलदार लोग आए, बोट लेकर आए, नदी को पार किए और फिर अपने साथ लेके चले गए। अभी उन लोग गंज में पार करके पूरा सामान लेते जाता है सर। अच्छा, जब आप लोग मुख्यमंत्रियों से, दो दो मुख्यमंत्रियों से आपने मुलाकात किया, तीन तीन बार मुलाकात किया, प्रशासन या सरकार ने यहाँ पे एक बोट की व्यवस्था नहीं करवा पाया? 1000 से अधिक जिंदगियां नदी के दूसरे किनारे पे बसती हैं। देश चांद पे परचम लहरा रहा है। 2024 में 5 ट्रिलियन अमेरिकी यूएस डॉलर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के दावे किए जा रहे हैं। उसी देश में नमक के लिए भी जिंदगी जोखिम में क्यों है, बताऊंगा आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर बसे बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक मुख्यालय के ग्राम पंचायत गोरला में हूँ। यहाँ पीछे चिंतावागु नदी बह रही है जो पूरे उफान पर है, सबाब पर है, और इस नदी के उस पार मीनूर और दूसरा गांव कौन सा है मीनूर के साथ? गोरगुंडा। मीनूर और गोरगुंडा गांव पड़ते हैं। इन गांवों की कुल आबादी 1000 से अधिक है, 800 से अधिक मतदाता हैं। आज़ादी के 75 साल बीत गए हैं, देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और इस नदी में एक पुल का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। बारिश के दिनों में चिंतावागु नदी नदी के उस पार बस रहे 1000 से अधिक बासिंदों के लिए चिंता का सबब बन जाता है। किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्या कुछ परेशानियां आती हैं, इस नदी को पार करने में कितनी चुनौतियां हैं, उसे भी आप तस्वीर में देख रहे होंगे। दरअसल बर्तन के सहारे यहाँ पे उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं यहाँ के बासिंदे। लंबे समय से एक अदद पुल की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार आंख बंद किए हुए हैं और इन ग्रामीणों की एक भी नहीं सुन रहे हैं। नतीजतन आज तक यहाँ पे एक पुल का निर्माण कार्य नहीं हो पाया। हमारे साथ गोरना पंचायत की सरपंच हैं, इनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो तस्वीरें ग्रामीणों ने मुझे उपलब्ध करवाई, ये तस्वीरें कल की ही हैं। कल बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस नदी को पार किया, 30 जुलाई 2024 को उपलब्ध करवाई, और साथ ही कुछ स्थानीय पत्रकारों ने ग्रामीणों से बातचीत भी की और फिर वो तस्वीरें भी मुझे उपलब्ध करवाई गई। मुझको लगा क्यों ना इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाए और इस समस्या से भी बस्तर जंक्शन के दर्शकों को दिखाया जाए, रूबरू करवाया जाए। तो मैं यहाँ पहुँचा और हमारे साथ गोरना पंचायत की सरपंच है। शुभ नाम क्या लिखती है मैम? मेरा नाम ठिंगे चिन्ना भाई। ओके मैम, कब से आप लोग यहाँ पे पुल की मांग कर रहे हैं और सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों ने क्या क्या जवाब दिया? हम लोग पहले से, वो रमन सिंह रायते समय भी 2 बार की 3 बार गए थे। कहाँ गए थे? और रायपुर गए थे। अच्छा। और ये उपेश बघेल रहते समय भी यहाँ भी गए थे, 3 बार गए थे पुलिया वनाई बोल के। कहाँ गए थे? रायपुर गए थे। अच्छा। फिर अभी इन लोग आवेदन भी दिए, फिर आके से यहाँ सेक भी किए थे, खाम खा फुलिया बनाएगा बोल के, फिर ऐसे नहीं किए। अभी भी अभी तुरंत बोलने से नहीं होगा काम। अभी एक बोर्ड लगाते ना, उसको देने से भी ठीक है। अभी बोट बोट जी, हाँ। तो बोट की मांग आप कब से कर रहे हैं? बोट का मांग पहले पिछले साल भी देंगे बोले थे, अभी तक तो यहाँ के यहाँ डाल के उधर पार किए, फिर वो तहसीलदार सब लोग आए पार करे, फिर ले गए। अभी बोट देंगे नहीं दिए। हाँ। तहसीलदार लोग आए, बोट लेकर आए, नदी को पार किए और फिर अपने साथ लेके चले गए। हाँ, वो सामान सब बांटे, फिर गए थे पिछले साल पहले। क्या सामान बांटे? ओ चावल, आलू, दाल। अच्छा, अभी उनको उस तरफ पे जो मीनूर गांव है और क्या गोरगुंडा के गांव के लोगों को राशन की जरूरत महसूस होती है,
तो वो कैसे करते हैं, राशन दुकान कहाँ है और उसकी जो उनकी जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो कहाँ से पूरी होती हैं? नमक हो गया, प्याज हो गया, सब्जी हो गई या फिर और भी इमरजेंसी हालात हो गए? अभी उन लोग गंज में फार करके पूरा सामान लेते जाता है सर। गंज में ही? हाँ, गंज में, बड़ा गंज में। हाँ। और पूरा छह माल आलू प्याज सब गंज में ले जाती है। अच्छा, इस नदी को पार करते हुए कभी कोई बहा है क्या, कोई ऐसा हादसा हुआ है क्या कभी? कभी अभी बीच में एक युवक की मौत हुई थी, ग्रामीण की मौत हुई थी अभी एक सप्ताह पहले, शायद एक डेढ़ सप्ताह पहले। का नहीं है सर। कहाँ का है? ओ रायगुड़ा का है। यहाँ ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ। गंजू से परेशान से तो फार होता है, अभी ऐसा मौत तो नहीं हुआ। होना भी नहीं चाहिए। तो उधर कितने वोटर्स हैं, कितने लोग हैं, जैसा कुछ देर पहले आप बता रहे थे? अभी मतदाता तो 600 का थोड़ा ज़्यादा है। और गांव वाले, पूरा गांव वाले 11 के कितने लोग आए? 1100। हाँ, 1100 लोग। बच्चे लोग भी पार करते हैं क्या? आओ बच्चे लोग पार करना पड़ेगा, बीमार पड़ेगा तो पार करना पड़ेगा ना। हॉस्पिटल के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाएंगे? गोरला नहीं तो मध्य, नहीं तो पटनम बीजापुर जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। तो बच्चों को कैसे पार करते हो? बहुत मुश्किल होता है, गंज में बिठा के ना। गंज में बैठा करते हैं बच्चे मन को? बहुत परेशान लगते भैया यहाँ पे तो। अच्छा, जब आप लोग मुख्यमंत्रियों से, दो दो मुख्यमंत्रियों से आपने मुलाकात किया, तीन तीन बार मुलाकात किया, कोई पर्चा वर्चा है रसीद वसीद उनको जो दिए थे? अभी नहीं है सर मेरे पास, वो लोग गाँव वाल के पास होगा। अच्छा, मीनूर में। क्या बोले थे ये लोग? उन लोग बनाएंगे बोले थे, अभी नहीं हो पाया। सिर्फ आश्वासन मिला? हाँ, सिर्फ आश्वासन मिला है। हाँ। अच्छा, अभी आके चेक भी किए थे बनाएंगे बोल के। चेक भी किए थे मैंने। क्या क्या? एक बार आके इसको चेक भी करके कहाँ, वो क्या बोलते हैं, पिलर मान काम पे लगता है, ऐसा तीन बार आके चेक भी किया मैंने। इंजीनियर लोग? इंजीनियर लोग। अभी तक बनाना है कुछ नहीं। मैं देख रहा था सामने में बहुत से मोटरसाइकिल हैं, उनके ऊपर तिरपाल लगाया गया, वो किसके मोटरसाइकिल हैं? मीनूर वाले के। मीनूर वालों का। इस तरफ पे क्यों रखे हैं? अभी इधर कैसे पार करेगा सर? अभी उन लोग गंज में फार हो के वो पटना मध्य जाएगा, अभी मोटरसाइकिल उधर कैसे ले जाएगा? उस इधर ही रखे लगेगा तो गाड़ी इधर रखना पड़ेगा ना, उधर से कहाँ। अच्छा, गाड़ी इस तरफ पे रखते हैं, गंज में पार करते हैं, फिर वापस जब आते हैं तो गाड़ी लेकर जाते हैं। हाँ। ऐसा है। यस यस। अच्छा, स्कूल वगैरह कहाँ है? स्कूल है सर, अमीनूर में भी है। गुरुजी? गुरुजी मानो कुछ लोग उधर ही है। हाँ। और कुछ लोग इधर ही है अभी। हाँ। जाने से उधर से अभी नेवा है ना गोरगुंडा, उधर उधर से नेवा में पार करके जाती है। हाँ। उधर कहाँ, इतना यहाँ से कितना दूर है? बहुत दूर है सर, लगभग अभी उधर से जाना पड़ेगा, मोतबेल से उधर से। हाँ। मतलब दूरी की बात करें 10-15-20 किलोमीटर कुछ? 5 किलोमीटर के तो है। तो वहाँ कौन सा नाव है? लकड़ी वाला? लकड़ी वाला है। तो आप लोग यहाँ लकड़ी का नाव भी नहीं बनाए? पहले बनाए थे सर, ये अभी वहाँ से पार होते थे, अभी नए बंद किए, फिर उधर लगाए। क्या बता रहे थे, कहाँ पलटा है? वहाँ पे पलटा हुआ था मैंने एक बार ना। हाँ, इस वजह से नहीं कर रहे आप? कर रहे। तो वो तो गंजे तो ज़्यादा रिस्की है। बहुत रिस्की है सर। हाँ, तो देख के डर लग जा रहा था, विजुअल देख के मैं डर गया, वीडियो जब मेरे पास भेजे तो। ये इनकी समस्याएं हैं, मजबूरी है। अब इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रशासन या सरकार ने यहाँ पे एक बोट की व्यवस्था नहीं करवा पाया, समझ सकते हैं इनकी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा को। जो लोग इन आदिवासियों की हक की बात करते हैं, इनकी बेहतरी के लिए बेहतरी की बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ इस तरह से पूरी बेशर्मी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बेहद ज़रूरी है प्रशासन को, सरकार को इस गंभीरतम मसले पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने की। आपको पुल बनाने में लंबा वक्त लग सकता जरूर है, मगर एक बोट की व्यवस्था तो आप यहाँ करवा ही सकते हैं। बोट की व्यवस्था करवाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लोगों की ज़िंदगी के साथ ऐसी खिलवाड़ ना हो। 1000 से अधिक जिंदगियाँ नदी के दूसरे किनारे पर बसती हैं और हर रोज़ ये ऐसे ही अपने जान को जोखिम में डालकर गंज के सहारे इस नदी को पार करते हैं। बहरहाल,
इनकी समस्याएं कब खत्म होंगी, समाधान कब निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बस्तर जंक्शन के माध्यम से मैं इसी तरह आम लोगों की समस्याओं को सरकार तक और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपको लगता है कि बस्तर जंक्शन के माध्यम से मैं बुनियादी समस्याओं पर, इन्हीं लोगों की समस्याओं पर, उनकी समाधान पर चर्चा करता हूं, इसके साथ ही तर्क के साथ सरकार और जिम्मेदारों से सवाल करता हूं, और साथ ही आपको लगता है कि बस्तर जंक्शन में मुद्दे की बात होती है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे अन्य जो सोशल प्लेटफॉर्म हैं उन्हें उन पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझको दीजिएगा इजाज़त, आपसे होगी मेरी अगली मुलाकात अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।